हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं बीके ट्रिप्स। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड से अपने जो अकाउंट में रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं वो बिना सर्विस चार्ज दिए। दोस्तों, ये सर्विस बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका एक भी रुपए सर्विस चार्ज नहीं कटेगा। जो अन्य सर्विस जैसे पेटीएम है और बहुत सी साइट है जो रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करने का सर्विस चार्ज लेती है, वो 1 या 2% लेती तो है। तो ये ऐप में जो आपको तरीका बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री है, आप इसे यूज में लीजिए और अपने अकाउंट में रुपए ट्रांसफर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको 2 ऐप डाउनलोड करने हैं गूगल प्ले स्टोर से, जो मैंने कर रखे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं वो। सबसे पहले तो आपको ये करना है, ऑक्सीजन नाम से एक ऐप है उसको डाउनलोड करना है। ये देखिए ये आ गया है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, जो मैंने अभी कर रखा है इसलिए ये डायरेक्ट खुल गया है। और इसके अलावा एक और ऐप डाउनलोड करना है आपको, मैं बता देता हूँ आपको, उसका नाम है फोन पे। ये देखिए ऊपर ऊपर आ गया है, इसको हम क्लिक करके इंस्टॉल कर लेंगे। एक मैंने कर रखा है पहले ही। तो ये 2 ऐप आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने हैं। उसके बाद करना ये है कि आपको ऑक्सीजन वॉलेट पर ओपन करना है। आपको ये ओपन करने के बाद इस पर आपको लॉगिन करना है अपनी आईडी से या फिर अपने मोबाइल नंबर से, जो भी आप मोबाइल नंबर है आपका जो भी, उससे आपको रजिस्टर करके इसको ओपन करना है। उसके बाद में सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर है लोड मनी में, आप इसको लोड मनी पर क्लिक करना है। लोड मनी पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसमें 1 दिन की लिमिट होती है 4,000, दूसरे दिन जो क्रेडिट कार्ड से जो लिमिट होती है वो 4,000 करके 2 बार की होती है। तो आप 1 दिन में 8,000 रुपये अपने क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसकी 1 महीने की लिमिट होती है दोस्तों 20,000 रुपये। तो दोस्तों आप इससे ज़्यादा नहीं ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आप अगर KYC भी इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उसमें भी अगर आप दे देंगे तो भी आपका जो है 25,000 से ज़्यादा का लेन देन 1 महीने में नहीं होगा। तो आपको करना है सबसे पहले इसमें 4,000 रुपये ऐड करने हैं, ये मैक्सिमम है दोस्तों। आप कम, मैं आपको कम में बता देता हूँ कम करके अभी। हाँ, जैसे मैंने इसमें ऐड किया कुछ भी, जैसे मान लो मैंने इसमें 1 रुपये ऐड किया, इसमें सॉरी 100 रुपये ऐड किया। 100 रुपये ऐड करने के बाद इसमें सेव, ये मैंने वो अभी ट्रांजेक्शन किया था एक, तो वो सेव हो रखा हुआ इसमें एक कार्ड, उसको ओपन करूँगा मैं। अपना क्रेडिट कार्ड का जो वो नंबर डालना है, नंबर प्लेट पर जो भी नंबर है, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है तो मैं इसका इसमें नंबर डाल देता हूँ। ये देखिए इसको ओके करना है। इसको ओके करने के बाद आपका जो है यहाँ पर ये ओके करेंगे। इसको ओके करने के बाद जैसे ही इसमें बैलेंस लोड हो जाएगा, इसमें मैं इसको हटा देता हूँ अभी, मुझे करना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट। जैसे इसमें बैलेंस आ जाएगा आपको यहाँ पर बैलेंस जो है दिखाई दे जाएगा अपना। यहाँ पर बैलेंस दिखाई देने के बाद आपको करना यह है, आपको प्रीपेड वीज़ा पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा, ऐड न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, एड न्यू पर क्लिक करना है आपको। एड न्यू पर क्लिक करने के बाद इसमें आपको अमाउंट भरना है, जो आपके इसमें आपका जो अमाउंट में जो वैलेट में जो बैलेंस है वो दिखाई दे जाएगा इसमें, कि आपके बैलेंस वॉलेट में कितने अमाउंट है। जैसे अभी 4,000 आपने ऐड किए तो इसमें 4,000 रुपये शो हो जाएंगे। फिर इसमें आपको लिखना है जितने आपका 4,000 रुपये अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसमें 4,000 रुपये लिखना है। 4,000 लिख के इसमें कोई भी 4 नंबर का पिन जो आप दे रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं इसमें। 4 नंबर पर इसमें क्रिएट कार्ड करना है। जैसे ही कार्ड क्रिएट हो जाएगा इसमें ये नंबर्स दिखाई होते हैं जो दिखाई देने लग जाएंगे इसमें, CVV नंबर,
एक्सपायरी डेट और एक कार्ड नंबर, ये तीनों चीज़ आपको शो होने लग जाएगी इसमें। और इस कार्ड को आप इलेक्ट्रॉनिक तौर पर कोई भी काम में यूज़ में ले सकते हैं इसको। उसके बाद करना ये है आपको दोस्तों, आपको फोन पे जो नाम का ऐप है इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद इसमें आपको लॉगिन करना है अपने नंबर से। जैसे आप इसमें रजिस्टर करके लॉगिन करेंगे तो इसमें आपको करना ये है, इसमें वॉलेट में आपको ऐड करने हैं रुपए। इसमें जैसे आपने 4,000 उसमें ऐड किए तो उसको आप 4,000 रुपये ऐड करके डेबिट कार्ड पर क्लिक कर देंगे और उसमें जो भी उसमें वो क्रेडिट कार्ड आता है उसमें ये नंबर डाल देंगे उसके। उसके ये नंबर डालने के बाद आपको इसमें एक्सपायरी डेट और इसमें CVV नंबर ये डाल के आप इसको ओके कर देंगे। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो आपका ये बैलेंस जो है ये वॉलेट में यहाँ पर ऊपर की तरफ ऊपर की साइड यहाँ पर शो हो जाएगा ये बैलेंस कि आपके वॉलेट में 4,000 रुपये आ चुके हैं। तो उस ये करने के बाद दोस्तों आपको करना ये है, आपको यहीं जाना वापस वॉलेट पर जाना और विड्रॉल पर क्लिक करना है। इस विड्रॉल पर क्लिक करने के बाद आपको जो बैलेंस है वो यहाँ पर शो होने लग जाएगा, 0 की जगह पर यहाँ पर आपका जो बैलेंस है वो आने लग जाएगा। फिर आपको बैलेंस जो है लिंक करना है, आपको आपका ये बैंक अकाउंट है जो है वो इस नंबर से ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगा, आपको ये लिंक करना है। उसके बाद लिंक करने के बाद वॉलेट में जाना है और इसमें वॉलेट जो है इसको पकड़ के इसमें जो निशान आ रहा है बैंक का इसमें आपको छोड़ देना है इसको करके। ऐसा करने के बाद दोस्तों आपका जो कन्फर्मेशन मैसेज आएगा उसको ओके करने के बाद आपके अकाउंट में रुपए ट्रांसफ़र हो जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, अपने अनुभव कमेंट्स में शेयर कीजिए और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।